ये समझ सकते हैं कि ये जो आपने बताया फीवर एंड नौशिया, और अगर ऐसा फील हो रहा है तो ये अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं. डेफिनेटली. और अगर आपके किसी भी एरिया में, जो कि मैक्सिमम हमारे सेलिब्री ग्लैंड्स जो आपने बताए हैं, इसमें आपको हल्का हल्का पेन होगा एंड वो थोड़ा फूल जाएगा. बट ये जो प्रॉब्लम है, अगर सीरियसली नहीं ली गई, अगर हमने ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लिया, तो ये कहीं भी पहुँच सकती है बॉडी में, और फिर तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. हेलो, नमस्कार. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द गुड हेल्थ शो में फिर से एक बार. मैं हूँ विदुषी, और आज हम बात करने वाले हैं मम्प वायरस के बारे में, जो कि आजकल हम सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फैल रहा है. क्या है ये वायरस, क्या मिथ है इसके, बहुत सारे मन में क्वेश्चंस हैं हमारे भी और आपके भी, और इसीलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शशांक. हेलो सर. Hello. कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? सर मैं बहुत बढ़िया. सर आपका फिर से स्वागत है हमारे शो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन. सर, मम्प वायरस आजकल हम सुन रहे हैं कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, रैपिडली फैल रहा है, और उसको लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं सभी के माइंड में. तो मैं चाहूँगी कि आज वो क्वेश्चंस आपके थ्रू उनके आंसर्स हमारे व्यूअर्स को मिले, हमें मिले. सर पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ मिथ से, फिर कुछ क्वेश्चंस, एंड देन आपके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहेंगे. सो सर, जो सबसे पहले हमारे पास मिथ आ रहा है वो यही है कि जो मम्प है वो एक नॉर्मल सी इलनेस है, इसमें कोई सीरियस होने वाली ज़रूरत नहीं है. मम्स एक वायरल डिजीज़ है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, बट डेफिनेटली नॉट वेरी नॉर्मल. इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, समटाइम लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी होती है. दैट्स वाई इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में करना जरूरी है. इट्स अ मिथ कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. ओके, तो मतलब सीरियसली इसको लेना पड़ेगा सबको. ओके सर, ऐसा भी है कि सिर्फ ये मम्स जो है वो सिर्फ बच्चों को हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. बच्चों में बिफोर द एयर ऑफ वैक्सीनेशन बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता था, बट अभी बच्चों में और एडल्ट्स में कोली पॉसिबल है. ओके, एंड सर द MMR मीजल्स मम्स रूबेला जो ये वैक्सीन है, ये ऑटिज्म कॉज कर सकती है? नो, देर इज नो, मल्टीपल स्टडीज हैव शोन दैट देर इज नो एसोसिएशन बिटवीन MMR वैक्सीन एंड ऑटिज्म. रेदर MMR आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ MMR वैक्सीन, जब वैक्सीन का इंट्रोडक्शन हुआ लेट 80s के बाद, सो इंसिडेंस ऑफ मम्स एंड मम्स रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है ड्रेस्टिकली कम डाउन, और उससे बहुत सारे लोगों के कॉम्प्लिकेशंस लाइफ सिक्योर हुई है, सेफ okay. हुई है. और ऑटिज्म से इसका कोई रोल नहीं है. बहुत सारे स्टडीज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल चेक करने की कोशिश की है, एंड इट इज क्लियरली एविडेंट इवन WHO सेज कि ऐसा कुछ भी नहीं है. तो वैक्सीनेशन सबको करानी चाहिए. बिल्कुल सर. एंटीबायोटिक से भी मम्प ट्रीट हो सकते हैं? मम्स में यूजुअली एंटीबायोटिक का रोल नहीं है. मम्स एक वायरल सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट जरूरी होता है. एंटीबायोटिक्स का रोल है व्हेन देयर इज सेकेंडरी इन्फेक्शंस और कॉम्प्लिकेशंस, जिसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स होते हैं. अदरवाइज इफ यू आर कंसिडरिंग ओनली मम्स और पेरोटाइटिस, तो उसमें एंटीबायोटिक का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है. ओके, एंड सर अगर किसी के पास नेचुरल इम्यूनिटी है तो वैक्सीनेशन से भी बेटर है और आपको मम्प नहीं होगा, ऐसा मिथ है? ऐसा नहीं, ये दिस इज टोटली मिथ. नेचुरल इम्यूनिटी हमारे पास हर बीमारी के लिए होती है. जब वैक्सीन्स नहीं थी, एंटीबायोटिक्स नहीं थी, ऐसा नहीं था कि ये बीमारियां नहीं थी. बीमारियां तब भी थी, लोग तब भी बचते थे, बट द कॉम्प्लिकेशन, द डिजास्टर्स कॉम्प्लिकेशन, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस, ये बहुत ज़्यादा थी. और अगर हमने वैक्सीन्स इंट्रोड्यूस की है तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आपकी डिजीज़ फ्री कर देगी. डिजीज़ होगी लेकिन वो कॉम्प्लिकेट नहीं होगी, सीवियरिटी नहीं होने देगी. okay. और आपके जो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस है उसको शॉर्ट करेगी. ओके, तो हम ये समझ सकते हैं कि वैक्सीनेशन से प्रिवेंशन कर सकते हैं? हाँ, वैक्सीनेशन से प्रिवेंशन होता है. ठीक है सर. सर ये थे कुछ मिथ्स हमारे पास. अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि मम्प है क्या और इसका रीज़न क्या है होने का? मम्प्स एक सेल्फ लिमिटिंग वायरल डिजीज़ है जो यूजली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होती है थ्रू ड्रॉपलेट एंड सिक्रीशंस. इसमें कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है. यूजली डिजीज़ सेल्फ लिमिटिंग है. इसका ड्यूरेशन ऑफ इलनेस फ्रॉम 1 week to 3 weeks तक हो सकता है. एंड यूजुअल जो साइट्स होते हैं, जो जब हम इनहेल करते हैं इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट को, तो फ्रॉम लंग्स ये ब्लड स्ट्रीम में आता है और वहाँ से पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है. मोस्ट फेवरेबल साइट्स जो हैं वो हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, आइज, ब्रेन,
pancreas, in males testes, in females ovaries and kidneys. So this can go to anywhere or just be favorite site pe jayega, wahan pe us type ki problem karega. Usually bilateral parotid gland swelling with pain and fever shuru hota hai, jisko hum parotitis bolte hain. This is the most common presentation of mumps, jiska treatment usually symptomatic hota hai. Okay. एंड सर इसके साइंस सिम्टम में जैसे आपने बताया कि दर्द होगा और ये सूज जाएगा, और क्या क्या सिम्टम्स हम देख सकते हैं? हाँ, स्टार्टिंग में इनिशियली ये स्वेलिंग नहीं आती. इनिशियली तो वायरल फ्लू टाइप सिम्टम्स आते हैं, लो ग्रेड फीवर, बॉडी एक, हेडेक, सम नोजिया, वॉमिटिंग, दिस टाइप ऑफ जॉइंट पेन्स, एक्सट्रीम वीकनेस, एक्सट्रीम पेन इन मसल्स एंड एक. ये स्टार्ट होता है आफ्टर 3-4 or 5 डेज ऑफ दीज इनिशियल सिम्टम्स. देन यूनिलैटरल एक साइड या दोनों साइड के पैरोटिड ग्लैंड की, ये जो एंगल ऑफ जा है यहाँ पे हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है, वन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, उसमें स्वेलिंग शुरू होती है. वो पेनफुल होती है, टेंडर होती है, वहाँ स्वेलिंग होती है, रेडनेस हो जाती है, च्यू करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, स्वॉलो करना डिफिकल्ट हो जाता है, उससे डिहाइड्रेशन बढ़ता है एंड दिस बिकम्स अ कैस्केड कि ऑलरेडी वायरल फीवर और इसकी वजह से डिहाइड्रेशन चल रहा था, देन पेशेंट का ओरल इंटेक कम होता है और डिहाइड्रेशन बढ़ता चला जाता है. ट्रीटमेंट इनिशियली फॉर पैरोटाइटिस वॉज ओनली सिम्टोमेटिक, अच्छे से हाइड्रेट करना है, पेशेंट ओरली नहीं ले रहा है, देन वी हैव टू गिव आईवी फ्लूइड्स, पेन सेटल करना है, फीवर सेटल करना है, नथिंग एल्स. जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या अदर साइट ऑफ इन्फेक्शन है, दे बिकम वेरी प्रॉब्लमेटिक. सपोजेडली दिस गोज इन टू पैंक्रिया और ये पैंक्रेटाइटिस कर देगा. पैंक्रेटाइटिस सीवियर पेन के साथ आती है, वॉमिटिंग होती है, पैंक्रेटाइटिस से रिलेटेड एंजाइम्स एलिवेट हो जाते हैं एंड उसका भी ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होता है. सिमिलरली कैन गो इन टू ब्रेन, वहाँ पर इंसेफ्लाइटिस करता है विच कैन बी वेरी डेडफुल. ये आपके नर्व्स पर भी इफेक्ट कर सकता है, जिससे डेफनेस हो सकती है, वो टेम्प्रेरी परमानेंट हो सकती है. अगर इंसेफ्लाइटिस प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुई तो ब्रेन डैमेज हो सकता है. इन मेल्स इट कैन गो इन टू टेस्टिस और वहाँ पर टेस्टिस में स्वेलिंग, पेन, यूरिनरी कंप्लेंट कर सकता है. लेस चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी बट यस डेफिनेटली काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है. फीमेल्स में भी ओवरीज में जाके ऑफ्राइटिस कर सकता है, किडनीज को इफेक्ट कर सकता है. तो दिस वायरस कैन ट्रेवल एवरीवेयर और यस इसके फेवरेट लोकेशंस है जहाँ पर ये करता है. विथ वैक्सीनेशन जो ये कॉम्प्लिकेशन हैं ये कम हो गए हैं, इनके रिस्क कम हुए हैं. बस ऐसा नहीं है कि मम्स खत्म हो गए, मम्स का ट्रीटमेंट भी करना जरूरी है. ओके, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो आपने बताया फीवर एंड नोशिया और अगर ऐसा फील हो रहा है तो ये अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं. डेफिनेटली. और अगर आपके किसी भी एरिया में जो कि मैक्सिमम हमारे सेलिब्री ग्लैंड्स जो आपने बताए हैं, इसमें आपको हल्का हल्का पेन होगा एंड वो थोड़ा फूल जाएगा, बट ये जो प्रॉब्लम है अगर सीरियसली नहीं ली गई, अगर हमने ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लिया तो ये कहीं भी पहुँच सकती है बॉडी में और फिर तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. ओके सर, आपने जैसे बताया कि ये कॉन्टेजियस प्रॉब्लम है कि अगर कोई साथ बैठा है तो भी ये हो सकता है. मैं जानना चाहूँगी कि क्या क्या चीज़ों से, मतलब अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो हम कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं? सी, आपको फर्स्टली दिस इज बिकॉज ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, तो यूजुअल जो सोर्स है बॉडी में एंट्री का वो नोज या नेजल फेरिंग्स या लंग्स हैं. तो सबसे पहले तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ वेदर यू हैव द सिम्टम्स. अगर सिम्टम्स हैं, बिकॉज जो इन्फेक्टिव पीरियड होता है वो इनिशियल जो सिम्टम्स के स्टार्ट हो से बिफोर 3-4 डेज से पहले ही आप यू आर यू नो एबल टू स्प्रेड द डिजीज, तो आपकी इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है एंड फ्रॉम देयर अप टू 6 or 10 डेज टिल योर सिम्टम, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर सिम्टम यू आर इन्फेक्टिव टू अदर्स. तो अगर आपको सिम्टम्स हैं, स्टार्ट वेयरिंग मास्क, आइसोलेट योर सेल्फ फॉर एटलीस्ट 5 डेज सो दैट यू आर नॉट इन्फेक्टिव टू अदर्स. और अगर इफ यू आर यू वॉन्ट टू प्रिवेंट योर सेल्फ, ओवरक्राउडेड एरिया में जाने से थोड़ा सा बचना चाहिए. इफ यू आर गोइंग आउट ट्राई टू वियर मास्क एंड इफ यू हैव एनी ऑफ द इनिशियल सिम्टम डेफिनेटली कंसल्ट योर डॉक्टर. श्योर सर. एंड सर ये हाथ मिलाने से, साथ में बैठने से भी मतलब नॉट वेरी डायरेक्टली, बस डेफिनेटली समवन जिसके है वो इन्फेक्टिव है, उसने हाथ से अपना वाइप किया है, शेक्स हैंड विथ यू, उसने वॉश नहीं किया, आपने फिर अपने माउथ के नीचे टच किया, तो वो डेफिनेटली फैल सकता है. बिल्कुल सर. एंड सर कॉम्प्लिकेशंस जैसे आपने बताई कि अगर ये कोई भी पार्ट में गया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मैं ये जानना चाहूँगी सर कि क्या मम्प से कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं?